इसे हम बॉक्स करके देखते हैं क्या है। देखा ना, वो देना चाबी, देना चाबी, चाबी ये जल्दी से करते हैं हम इसे अनबॉक्स। एक तो सेल वाली है, चार्ज वाली है, सेल वाली आती है, सेल है, सेल सेल है, सेल पड़ा हुआ है, ये सेल पड़ा हुआ है, तो निकाल देते इसका लॉक होगा, ये लॉक सेटिंग होती होगी। अब आया, आ गया, अरे हाँ वो उसके प्लंग के ऊपर आता है। 74 है, 74 कम हो गया, 1 किलो फिर कम कर लिया 3 दिन में, कम हो गया 1 किलो 3 दिन में कम किया मैंने। ला मेरे तोड़ता हूँ मैं, रुक गया। कितना है? 56 है। उसी तो 55 था। वो वाला तो दूसरी मशीन थी ना। अभी का भी वेट हो रहा है। अभी कल आई हो? दोनों पैर लग गए, दोनों पैर। बाबू, बाबू दोनों पैर लग गए। गाइस अभी हम बना रहे हैं चाय और आज बना रहे हैं इंडक्शन। हमने इंडक्शन तो लिया था काफ़ी टाइम से, यार यूज़ ही करने में नहीं आ रहा। मैंने कहा आज यार बहुत दिन देखते चाय बना के देखते ज़रा इस पर कैसी बनती है। वो स्टील वाला मेरे पे वैसे फ्लैट वाला पतीला था नहीं, तो मैंने कहा यार इसी बना रहे थे जिसमें दूध रखते हैं, इसमें बना रहे थे। वाला तो आ रहा है, देखो कैसे बनती है। जल्दी पकड़ लो, मगर यह है कि इस पर बहुत जल्दी बन जाती चाय, जल्दी आ गया। अभी मुश्किल से 1 मिनट ही हुआ है, इतनी जल्दी उबारा भी आ गया, लग गया इस पर ना टाइम लगता है इंडक्शन में। गाइस अभी हम आए हैं चिकन रोल खाने, जहाँ पर आपने पिछली वीडियो में देखा भी होगा कि हमने एग रोल खाया था यहाँ पे, तो हमें बहुत बढ़िया लगा था। मतलब भाई एक है, भाई के साथ आए थे खाने, तो आज हम ट्राई करेंगे यहाँ का चिकन रोल, दिखाता हूँ आपको। उस दिन का चिकन रोल भी बहुत बढ़िया लगा था ना, है ना, क्यों है? अरे हाँ बोल गया, एग रोल है। एग रोल मतलब हमने जहाँ लास्ट, वैसे तो हम कैंट वगैरह खाते हैं, कैंट में मतलब वो सिंपल सा बना देता है, तो यहाँ का थोड़ा सा हमें यूनिक सा भी लगा, अलग सा, और टेस्टी बहुत था, तो खाने में मज़ा आया था। हमने कहा इस बार हम एग रोल की जगह चिकन रोल ट्राई करते हैं, देखते कैसे है। तंदूरी चिकन रोल, क्योंकि बरेली में तंदूरी तो कभी नहीं खाया हमने, नॉर्मल चिकन रोल तो खाया है। और चिकन रोल यहाँ पर बरेली में ज़्यादातर क्या है, रुमाली रोटी वाले देते हैं, तो इस बार ट्राई करते हैं कि ये वाला चिकन रोल कैसा होगा, देखते टेस्ट करते हैं। ओके, ऑर्डर कर दिया है वैसे चिकन रोल, आता है। के लिए हमने फ़िश भी ले ली है, मतलब फ़िश वगैरह जो हमने लिए नॉर्मल लिए, क्योंकि घर जाके हम उसे फ्राई करेंगे फ़िश को, उसके बाद रोटी वगैरह आज मैं बनाऊंगा, क्योंकि जोशू की तबीयत इस टाइम ख़राब है, तो इसलिए हम घर से जाकर रोटी भी बनानी है, क्योंकि हमने अब एग रोल करा, मैंने एग रोल से पेट तो भरेगा नहीं इतने से, मतलब ये एग रोल से अभी खा रहे हैं। और खाना वगैरह हम वैसे भी खाते हैं रात को लेट 11 बजे तक, तो इन्हें कहा मैंने फ़िश वगैरह ले लेते हैं, रात को जाके फ्राई भी करेंगे, काफ़ी टाइम भी हो गया है। और जोशू की तबीयत मतलब वैसे ठीक नहीं है, मतलब कब वीकनेस हो रही है, तो मैंने कहा फ़िश वगैरह खाएगी तो थोड़ा बॉडी में एनर्जी वगैरह भी आएगी, तो इसलिए मैंने फ़िश वगैरह ली है। खाचे तो अब तू चाहिए, तू चाहिए मुझे, तो अब तू चाहिए, तू चाहिए। तो मेरी आवाज़ कैसी लगी? वैसे तो बेसुरा गाता हूँ मैं, आज फर्स्ट टाइम ही गा के देखा, थोड़ा सा इग्नोर करना आवाज़, अगर थोड़ी ऐसे बेकार से लगी है तो इग्नोर करना। चुका हमारा चिकन रोल, तो बहुत ही क्रिस्पी हो गया, पराठा भी बिल्कुल, और जल्दी से टेस्ट करते हैं, बताते हैं आपको कैसा है ये। ओके गाइस, बहुत टेस्टी है भाई, यम्मी। चिकन भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में डाला हुआ है, और तंदूरी सॉस वगैरह फीलिंग बहुत अच्छी लग रही है, बहुत तंदूरी चिकन, मतलब तंदूरी रोल ही बनाया उन्होंने, और फीलिंग वगैरह भी बहुत अच्छी करी हुई है, काफ़ी क्वांटिटी अच्छी डाली है। वैसे नॉर्मली मतलब चिकन ना अच्छे से नहीं डालते, तेरह सा चिकन डालते तो चिकन रोल दे देते हैं, प्राइस के हिसाब से अच्छा दिया, मतलब 80 रुपीज़ का है, तो काफ़ी अच्छा मतलब वो दिया। रोल खा लिया, अब चलते हैं।